अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहराब मुनव्वर सिद्दीकी और इस वक्त आप मुझे ARY Digital के पोर्टल पे देख रहे हैं। फॉर मोर एक्साइटिंग न्यूज सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल ARY Digital। सोचे जिसका हाथ आपने जिंदगी भर के लिए थामा हो, जिसके लिए उन्होंने गलत को सही कह दिया, सारे रिश्ते पीछे छोड़ दिए, उसी रिश्ते ने उनकी जान। चाहे जितनी भी बुराई हुआ था, मेरा मानना है कि एतबार रिश्तों से नहीं उठना चाहिए। मैंने तुम सबका कितना दिल दुखाया, कितना दिल दुखाया, और आज देख लो यार, तुम ही लोग मेरे सामने यहाँ पे खड़े हो, मेरे साथ। आप यहाँ पे सो? हम तो रात से यहीं हैं बेटा। क्या हुआ वो? सब खैर तो है? अचानक किसकी नजर खा गई मेरे घर को। अब क्या हुआ है अम्मा? शुमाइला, जब आज ने शुमाइला को गोली मारी है। अस्पताल में, लेकिन डॉक्टर्स ने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया उसके बारे में। अरे क्या कर रहे हो तुम? तुम कहाँ जा रहे हो? तुझे जाना होगा। अभी किसी को नहीं मिलने दे रहे उससे। क्या हो गया है अम्मा? क्या हो रहा है? एमन कहाँ है? एमन कहाँ है? मत करो, मैं उसको रहना बाजी के पास छोड़ कर आई। वो बेचारी भी सारा दिन माँ बाप की राह तकती, उसको मैं कैसे कहूंगी उसकी माँ? नहीं माँ, नहीं। एमन को इस बात के बारे में कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी माँ ने क्या किया। माँ के रिश्ते से औलाद का एतबार उठना किसी कयामत से कम नहीं है माँ। मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। मेरा दिल बंद क्यों नहीं हो जाता? अम्मा आप ऐसी बात मत करें। शुमाइला होश में आ गई लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है। आप फौरी तौर पर पुलिस को बुलाइए, वो अपना बयान के लिए जिद कर रही है। ठीक है, चलें जी। कहाँ है शुमाइला? हम उसका बयान लेने के लिए हैं। चलें। जी बीबी, तो बताएं आपने जवाद के साथ क्या क्या कारस्तानियां की हैं? थोड़ा तमीज से बात कर ले प्लीज। बोले आप लिखें। जवाद ने आयदा पर तेजाब फेंका था, मैंने देखा था। आयदा पे सारे इल्जाम झूठे, वो तस्वीरें झूठी है। मैं जानती थी कि वो गलत कर रहे, लेकिन मैं मिल गई उसके साथ। उसने पैसे की लालच दी,
और मेरी आंखें सदी आ गई। मैंने अपनी बेटी को खुद से दूर कर दिया, अपने अपने शोर। शुमाइला थोड़ा आराम से, आप थोड़ा वेट कीजिए। जी वेट कर रहे हैं। मारने की कोशिश की, मैंने अमान का कोई कसूर नहीं, उस पर ड्रग्स के इल्जाम भी जवाद ने पुलिस के साथ मिलकर लगा, उसका कोई कसूर नहीं। मैं जवाद और खुद की गलती को तस्लीम करती हूँ, आप उसे सजा दें। आप मुझे भी कड़ी से कड़ी सजा दें, मुझे मौत की सजा दें। ठीक है बीबी, सजा तो अदालत ही देगी, फिलहाल आप यहाँ पर साइन कर दें। बेटी को एक दफा मैं ले आऊंगी उसे आपके पास, मैं मिलवा दूंगी, आप बस हिम्मत करें। मैंने ये सारा बयान रिकॉर्ड कर लिया, तब्दील करने की कोशिश मत कीजिएगा। चले आप। मैं जितना कर सकता था मैंने बहुत कुछ कर दिया है तेरे लिए, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। परसों तेरी पहली पेशी है। ऐसी बातें कर रहा है तू? घर भेज दे, दुकानें भेज दे, तुझे जितना चाहिए मैं तुझे लाके दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे यहां से निकालना यार। वो बच गई है और उसने तेरे खिलाफ बयान भी दिया है, बहुत की थी ना तूने अपने दिमाग की, अब भुक तो। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब कुछ तो करना यार। तू तो पुलिस में, कुछ तो कर, कुछ मुझे यहां से निकाल दे प्लीज, मुझे यहां से निकाल दे यार। ऊपर से सारे अफसरान की नजरें मुझ पर हैं, मेरी तो बेल्ट भी उतर जाएगी। बनकर अपना ड्रामा, बहुत दे दिया मैंने तेरा साथ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं उनका सोचूं या तेरा सोचूं? तैयारी कर ले पेशी की, सुबह तेरा लॉयर आ जाएगा। मेरी बात तो सुन। अरे यार मेरी बात तो सुन, मेरी सुन तो, मेरी बात, मैं मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। चेहरा तो छुपा लोगी पर अपने गुनाह कैसे छुपाओगी सुनी? आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में शुमारी? बोलो, जवाब दो मुझे।
अरे इससे तो बेहतर था कि तुम मुझसे तलाक ले लेती, पर ये सब कुछ खत्म कर दिया मैंने मुख्तार, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। बस ये कह सकती हूँ अंधी हो गई थी, कान बंद हो गए थे, बहरी हो गई थी, सर पे ताला लग गया, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। माफी नहीं मांगूंगी, माफी की हकदार नहीं। जो हो रहा है मेरे साथ सही है, यही सही, किसी और में से आपकी बहन बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। पर मेरा क्या कसूर था, पर मेरा क्या कसूर था, भाई बस हो गई सजा, माफ कर देना। हम घर ले जाएंगे आपको, सब ठीक हो जाएगा, यकीन करें सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो है, देखो कौन है। जैसे गली है मेरे सारे ख्वाब पानी
अल्लाह ताला मैंने अपनी बीवी को माफ कर दी। अब तू भी उसे माफ कर दे। जानता हूं ये आसान नहीं आया था, पर नई सुबह के ख्वाब देखने पड़ेंगे। उतार भाई का सोचती हूं तो दिल पड़ता है मेरा भी। पर शायद यही किस्मत में था। नहीं कर सकते आयदा सिवाय उनका सहारा बनने के। जनाजा सब इंतजाम करती हूं कल सुहार के। केस भी नहीं आया तो देख मैं कैसे बाहर आ रहा। तेरे बच्चे का वो अशर करो। खबरदार जो मेरे बच्चे का नाम अपनी जुबान से लिया तो तू इस बात बाहर आया ना तो अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूं तुझे कत्ल मैं करूंगा। ये तो गलत है। खाओ पियोगी नहीं तो सेहत तो खराब होगी ना। और इस वक्त हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। खाला सही कह रही हैं। हमें इस वक्त दूसरे की हिम्मत बनना है ना तो परेशान है। परेशानी तो किस्मत का हिस्सा बन गई। मेरा बेटा बुरे हाल पर उसकी बीवी दुनिया से चली गई। खुदा ने जो जिंदगी दी है उसके बारे में ये सब कहकर ना शुक्री कर रही हूँ। चलो थोड़ा सा तो खा लो। आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी।
कैसा लग रहा है जवाब? मैं यहाँ, तू वहाँ। तुझे तो हमेशा लगता था ना तू जो कुछ भी कर ले हमेशा आजाद रहेगा। बिल्ली शेर की खाला होती आई दे बिलिया। अबे गीदड़ भक्कियां मार रहा है वो भी उस वक्त जब मैं सलाखों के पीछे सामने से करता तो बात भी। मैं तो सामने से ही बात कर रहा हूं। पीठ पे वार तो तू करता है ना। कल पेशी है तो तुझे क्या लगता है तू जीत जाएगा? तुझे क्या लगता है? शहर का सबसे बड़ा वकील है। आज तक एक केस भी नहीं। तू देख मैं कैसे बाहर आ रहा। तेरे बच्चे का वो असर करो। खबरदार जो मेरे बच्चे का नाम अपनी जुबान से लिया तुम। तू इस बात बाहर आया ना तो अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूं तुझे कत्ल मैं करूंगा। कार्रवाई शुरू की जाए। जसाम, मैं मलाइका सुहेल आयदा अमान की तरफ से केस लड़ूंगी। गुलाब का वकील? जनाब अली इनके वकील ने अभी थोड़ी देर पहले ही अपना केस खत्म किया। जज साहब मैं अपने केस को लड़ूंगा। इजाजत है कार्रवाई शुरू कीजिए। जज साहब कोई भी कार्रवाई हो या कोई भी सवाल इन सब से ऊपर वो बयान है जो शुमाइला मरने से पहले जवाद के लिए दे गई थी। शुमाइला तो मर गई है क्या? बकवास कर रही है इन्होंने। ऑर्डर ऑर्डर, जब आपको कहा जाएगा तब आप बोलिएगा। कैरी ऑन। ये पेपर सबमिट करनी जिसमें शुमाइला का बयान है, जिसमें शुमाइला ने गवाही दी है कि आयदा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें जवाद और वो मकामी शरीक थे। यही नहीं बल्कि अमान को ड्रग्स के केस में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि जवाद और इंस्पेक्टर नवीद थे। इसके साथ साथ मुख्तार पर कातिलाना हमला और शुमाइला को जान से मार देना, ये सारे जरायम जवाद के फहरिस्त हैं। जज साहब पागल हो गई क्या तू? जो मुंह में आएगा बोलती रहेगी, ईमानदार रहेगा क्या? अरे तो कैसे हम झूठा लगवा दिया इन्होंने? ऑर्डर ऑर्डर, आप अदालत की तोहिन कर रहे हैं। ये ऑडियो वो रिकॉर्डिंग है जो हमने रिकॉर्ड की थी शुमाइला की डेथ से पहले। जवाद ने आयदा पर तेजाब फेंका था, मैंने देखा था। आयदा पर सारे इल्जाम झूठे, वो तस्वीरें झूठी। मैं जानती थी कि वो गलत कर रहा है, लेकिन मैं मिल गई उसके साथ। उसने पैसे की लालच दी मारने की कोशिश की। मैंने अमान का कोई कसूर नहीं, उस पर ड्रग्स के इल्जाम में जवाद ने पुलिस के साथ मिलकर लगा, उसका कोई कसूर नहीं। क्या ये बकवास है सब? झूठ बोल रही है ये। आयदा को मार दूंगा तुझे जान से। मैं बता रहा हूँ मार दूंगा तुझे जान से। छोड़ मुझे। ऑर्डर ऑर्डर, संभाले इन्हें। इस केस में कुछ सुनने और समझाने की गुंजाइश नहीं है। सब कुछ आप लोगों के सामने है। शुमाइला की गवाही मुकम्मल है। इस अदालत ने जवाब को पूरा मौका दिया अपना केस लड़ने का, लेकिन गवाहों और केस की सूरत हाल को देखते हुए और इनका पागलपन देखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि इन तमाम मामलात में जवाद यकीनन गुनहगार है। और इस बिना पे अदालत ये फैसला सुनाती है कि अब जवाद को दो बार उम्र कैद और उसकी तमाम जायदाद मुख्तार और आयदा के नाम की जाती है। और यही नहीं, इंस्पेक्टर नवेद को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड किया जाता है
और 1 साल 1,00,000 रुपए जुर्माना मजीद अदायगी का हुक्म सुना था. That's all. The court is adjourned. इंस्पेक्टर साहब एक मिनट. बहादुर इंसान एक तेजाब की बोतल के सामने इतना कमजोर कैसे पड़ गया? कहां गई सारी मर्दानगी तुम्हारी? तेजाब की बोतल हाथ में लेकर लड़ते हो, कभी बगैर तेजाब के लड़के देखो हम लोग. थेरेपी कैसी चल रही है? अच्छी जा रही है यार, बस दुआ करना जल्दी ठीक हो जाओ. इंशाल्लाह. अम्मा कहाँ हैं भाई? शुक्रिया बेटा. न जाने तुम्हारे लिए क्या कुछ बना रही हूँ. तौबा है. अब खाला और अमान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है. ये कागजात हैं. किस चीज के? प्रॉपर्टी के. ये मैं नहीं ले सकता. अरे आयदा को इंसाफ में मिले हैं, मेरे लिए नहीं है. और वैसे भी अमान नौकरी कहाँ है? एक दुकान तुम देखो, एक मैं देख लूं, और वो वाला घर भी तुम्हारा जो दिल चाहे करो. भाई सही कह. और अब इस घर का फैसला मैं करूं, और वो फैसला ये होगा कि रेहाना का एक और शेल्टर होम बनेगा उस घर. तो लिसनर्स, आज के हमारे शो में हम बात तो जरूर करेंगे, बात जो शायद हमें कोई बताता नहीं, वो बात जो शायद कोई करना नहीं चाहता, वो बात है हिम्मत की, ताकत की, अपने हक के लिए लड़ने की. आज इस शो के जरिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि
کہ تیزاب سے جلنے کے بعد اپنے دل کو نہ جلائیں بلکہ قانون کے ساتھ ڈٹ جائیں جس طرح میں ڈٹ گئی قانون ہے 336 کی دفعہ کے ذریعے سزا بھی ہوتی ہے اور جرمانہ بھی آج اس شو کے ذریعے میں گورنمنٹ سے بھی ایک اپیل کرنا چاہوں گی کہ جب 332 کی دفعہ ہے تو پھر تیزاب اس طرح کھلے عام کیوں بکتا ہے ان آتھرائزڈ سیلر بڑی مشکل سے یہ لفظ یاد کیا ہے تو یہ ان آتھرائزڈ سیلر کیوں ہیں اور انہیں کوئی روکتا کیوں نہیں جب قانون ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا اور ایک آخری بات ایسڈ اینڈ برن کرائم بل 2017 آج تک پاس نہیں ہوا مجھ جیسی ہزاروں زندگیوں کو بچانے کے لیے کیا وہ بل کبھی پاس ہوگا اور کیا وہ بل کبھی ایک ایکٹ بن پائے گا ذرا سوچیں اسے کیوں لے آئے تاکہ اپنی بہادر ماں کو یہاں دیکھ سکے ایمان کہاں ہے اپنی دادیوں کے پاس چلے ہاں پر ہم گھر نہیں جا رہے تو پھر کہاں جائیں گے تمہارے ایڈمیشن کے لیے جا رہے ہیں آئدہ جو پڑھائی تم پوری نہیں کر سکی اب شروع کرو گی آپ جیسا ہم قدم جس کے ساتھ ہونا تو دنیا نہیں جیتے گی تو کیا کرے گی چلے گریٹ شو یہ بل ضرور پاس ہوگا اور تم اکیلی نہیں ہو ہم سب تمہارے ساتھ Thank you.
Obviously, this is Maya Ali. और मैं क्या कर रही हूँ फोन पे? मैं एक ऐप डाउनलोड कर रही हूँ, वो है ARY Digital की, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना होता है हमारी फिल्म के बारे में, क्या क्या बात हो रही है. So just go and download this app on your phone. Thank you.